हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी गुरु। मैथ्स फंडा में फिर से आपका स्वागत है। और आज मैथ्स फंडा में मैं आपको बताने वाला हूं जो ये डिफरेंट सेल्स लगी देखते हैं आप, जिसमें ऑफर किया होता है बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट टू फ्री या बाय फाइव गेट टू फ्री। तो इन सब में डिस्काउंट परसेंटेज होता कितना है, राइट? क्योंकि बड़ी इजिली कई लोग आपको बेवकूफ बना देते हैं। आप कहो 50% डिस्काउंट दे देता हूं, दे दो हमें, वो 50% डिस्काउंट की जगह वो कहे 50% एक्स्ट्रा ले लो, चलो। तो उसमें डिफरेंट हो जाता है डिस्काउंट, राइट? अभी देखेंगे किस तरह से हम डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हैं और जो मैं बात बता रहा हूं उसमें भी कैसे डिफरेंस पड़ता है। चलो पहले ये देखते हैं, ये जो लिखा हुआ है बाय टू गेट टू फ्री, इसमें डिस्काउंट है कितने का, राइट? तो बाय टू गेट टू, टू पे टू का डिस्काउंट नहीं है। टू पे टू का डिस्काउंट तो हो जाता वन, यानी 100% डिस्काउंट हो जाता, वो तो हो नहीं सकता, फ्री थोड़ी दे रहा है वो। तो इसका मतलब क्या है, देखो वो आपको जो बेच रहा है वो चार चीजें बेच रहा है, राइट? वो चार का मार्क प्राइस है उस पे, राइट? उस पे चार का प्राइस टैग लगा हुआ है और उसमें से वो आपको दो फ्री दे रहा है। चार चीजों में से दो फ्री कर रहा है आपको, तो आपका डिस्काउंट है दो का चार के मार्क प्राइस पे, यानी के डिस्काउंट 50% है। ओके, इस बात को समझो कि आपको जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो दो का डिस्काउंट है, टू फ्री, बट बेची आपको चार चीजें जा रही हैं। तो चार चीजें जब आप खरीदते हो तब दो फ्री मिल रही है, उसमें से दो का आप पे कर रहे हो, राइट? यही है ना। तो जो मैं अभी बात कर रहा था, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको कोई कभी भी कहता है कि बाय फाइव गेट टू फ्री, तो इसका मतलब डिस्काउंट कितना हुआ, अब आप बिल्कुल जल्दी से बता देंगे कि टू का डिस्काउंट आपको मिल रहा है ऑन सेल ऑफ सेवन, राइट? पांच और दो सात खरीद रहे हो तब आपको दो फ्री मिल रही है, तो टू बाय सेवन आपका होता है 28.56% डिस्काउंट, राइट? 5.7 होता है एग्जैक्टली, बट मैं जो याद करते हैं लोग उसके हिसाब से 28.56 भी लिख दो तो चलेगा, राइट? अभी क्या है, जो मैंने एक और बात बोली आपको कि लोग आपको ऐसे भी बेवकूफ बना देते हैं, आप कहते हो कि हमें तो 20% डिस्काउंट दे दो, वो उसकी जगह पे आपको कह देते हैं आप 20% एक्स्ट्रा ले लो। तो देखो क्या डिफरेंस पड़ता है, कैसे वो आपको डिस्काउंट कम कर देता है इस बहाने से। अगर आप 20% डिस्काउंट लेते तो डायरेक्ट आपको 20% ही डिस्काउंट मिलता, मतलब आपने 100 रुपए पे करने थे, आप उसकी जगह 80 रुपए पे करते, राइट? तो आपको तो 20% डिस्काउंट मिल जाता ना डायरेक्ट। बट जब उसने 20% एक्स्ट्रा आपको दे दिया तो देखो क्या हुआ, आप 100 खरीद रहे थे, उसने आपको बेच दिया 120, राइट? उसमें से उसने 20 फ्री छोड़ा, तो 20 फ्री तो है बट 120 की खरीद पे, यानी 1/6 हो गया, तो आपका डिस्काउंट जो है वो 16.66% रह गया, राइट? डिस्काउंट जो हुआ वो 20 का जरूर हुआ बट 120 पे। हम मांग रहे थे 20 डिस्काउंट दे दो 100 पे, यानी कि 100 रुपीज लेने की बजाय 80 ले लो, तो वो तो 4/5 होता ना, 100 की जगह 80 देते तो 1/5 का डिस्काउंट होता, 20% का डिस्काउंट होता। बट उसने क्या किया, 20 एक्स्ट्रा दे दिया आपको दिखा के 20% तो आप मांग रहे हो, 20% मैंने दे दिया, फ्री ले लो उसको साथ। तो उससे हुआ क्या, वो 120 उसने आपको बेचा और 120 में 20 फ्री था तो 1/6 डिस्काउंट हुआ, विच इज 16.66% डिस्काउंट, राइट? तो ऐसी गेम जो जनरली लोग खेलते हैं दुकानदार, ओके, आप कहते हो 50% डिस्काउंट दे दो, तो वो 50% डिस्काउंट की जगह 50% फ्री दे देते, उससे डिस्काउंट में कितना चेंज आ जाता है। देखो 100 देना था, 50 फ्री दिया, आपको बेचा 150, 50 का डिस्काउंट दिया, 150 में से 1/3 का डिस्काउंट हो गया, इसका मतलब सिर्फ 33.33% डिस्काउंट हुआ इंस्टेड ऑफ 50%। देखो चेंज आ गया डिस्काउंट,
राइट ओके, तो ये जरूर ध्यान रखना है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी ध्यान रखना है कि दुकानदार आपको बेवकूफ ना बनाए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय। नमस्ते। जय हिंद।